हर एक सफलता को पाने के लिए अंगारों पर चलना पड़ता है, सही है, ठीक है। जिन लोगों ने आज जो बहुत जिनका नाम है आप उनके झांसी की रानी की तो पूरी लाइफ ही अंगारों पे थी, लेकिन तुम अभी की बात करो, जैसे तुम्हारे पीएम मोदी जी, क्या मोदी जी शुरू से ही ऐसे ही थे क्या, स्टार्टिंग से? नहीं, बहुत कुछ उन्होंने किया है, तो अंगारों पे चले हैं। अंगारों पे चलने का मतलब ये नहीं होता है, अंगारों पे चलने का मतलब ये नहीं होता कि हम रास्ते में अंगारे लगा दें और उसके ऊपर चलें। इसका मतलब होता है प्रतिदिन हमने कठिनाइयों का सामना किया, ठीक है ना, हर दिन स्ट्रगल आया, हर दिन उसका सामना किया, आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं ना, तो वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर उस चीज़ से दूर भागते हैं कि अरे रे नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, है ना, डरते हैं। और कुछ वो होते हैं जो डेली के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जितने भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं वो पक्का होता है कि वो सक्सेस होंगे, ठीक है। तो अंगारों पे चलने का मतलब क्या हुआ कि आपके सामने अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं, आपको मैथ्स के क्वेश्चंस में अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दोगे, नहीं, उसको और करोगे, इतनी बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो कि फिर वो तुम्हारे को एकदम वो तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। जहाँ तुमको जिस सब्जेक्ट्स में डर लगता है उस सब्जेक्ट्स की इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतना उसको पढ़ो कि वो एकदम तुम्हारे लिए इजी हो जाए, तो तुम्हारे लिए भी फिर ये यही कहावत रहेगी, हाँ सुरेंद्र खाओगे? तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, अगर स्टूडेंट के लिए कठिनाइयाँ अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं आपके, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही देखना है, ठीक ना, तो इसी ये जो मुहावरा है इसको अपने स्टूडेंट लाइफ पर फॉलो करो कि जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उसको इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वो हमारे लिए इजी हो जाए। अब मैं तुम देखो एक कुछ को सेलेक्ट करके क्लास से बाहर निकालूंगी। अगला है देखो अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? हाँ तुम पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है आकाश के तारे तोड़ना। रात में तारे देखो कि वो वाला तारा मैं तोड़ूंगा, नहीं नहीं वो वाला मैं तोड़ूंगा, है ना, उसको तोड़ना। मतलब क्या वाकई सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे तारा तोड़ के लेके आएंगे? नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? असंभव काम, एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है ना, सीढ़ी लगा के चढ़ना और तारे को तोड़ के लाना, तो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाना, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे तारे तोड़ना, ठीक है ना, यानी कि इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करेंगे। बहुत सारे इम्पॉसिबल काम होते हैं। वो स्टोरी सुना है तुम लोगों ने, जो एक बुढ़ा इंसान रहता है, वो बड़ा सा पहाड़ रहता है, उसके उधर काम करता रहता है, मजदूरी करता रहता है, उसकी वाइफ, हाँ मांझी है ना, उसकी वाइफ जो है वो डेली जाती है उसके लिए खाना लेकर के, तो काफ़ी उसको रास्ते में रास्ता नहीं मिलता है, बहुत घूम के पहाड़ों पर से चढ़ के उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेके जाती है। वो बुढ़ा सोचता है कि इतना मेरी वाइफ कष्ट कर रही है मेरे लिए भोजन लेके आने के लिए, मैं इस पहाड़ को तोड़ करके इसमें से रास्ता बना दूंगा। तो सब और वो उसने क्या किया, अपना छोटा सा उसका जो तोड़ने वाला होता है उससे वो तोड़ना शुरू कर देता है ना, जाता है पहाड़ को तोड़ना स्टार्ट कर, मन में ठाना उसने कि मैं इस पहाड़ी को तोड़ के ही इसमें से बीच में से रास्ता बनाऊंगा ताकि मेरी वाइफ को इतना पहाड़ चढ़ के नहीं आना पड़ेगा। तोड़ना वो शुरू करता है तो सब उसको कहते हैं, तोड़ना जब शुरू करता है ना तो सब उसको कहते हैं कि ये पागल है, मेंटल हो गया है, इतना बड़ा कर पाएगा क्या, है ना, चला है पहाड़ तोड़ने। बात ही ये तो कहावत ही हो गई कि पहाड़ तोड़ना, लेकिन उसने बोला मैं करूंगा, है ना, चुपचाप कुछ नहीं, किसी की सुनता नहीं था, जाता था डेली हथौड़ा मारता था, तोड़ता था, थोड़े थोड़े पत्थर तोड़ते उसने पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दिया। तुम सोचो तो ये क्या था, ये तो तारे तोड़ने के बराबर है, मूवी भी बनी है इस पर, है ना, एक एक बुजुर्ग आदमी, यही मांझी वाली मूवी बनी है इस पर, हाँ उसकी वाइफ का डेथ होता है उसके बाद ही उसने ठाना ये चीज। तो ये हो गया आकाश से तारे तोड़ना, समझ आया आपको? आप उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं जो अभी मैंने स्टोरी सुनाई है आपको, सब जानता है उसको। अगला है ईंट से ईंट बजाना। दो ठो ईंट लेके आओ उसको बजाओ, ठक 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 ठक, यही होता है क्या ईंट से ईंट बजाना? कौन बताएगा इसका मतलब, कौन बताएगा ईंट से ईंट बजाना मतलब बताओ? मतलब दो बराबर के लोगों का, है ना, आपस में भिड़ करके और दोनों को खत्म हो जाना, इसको बोलते हैं ईंट से ईंट बजाना, है ना, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ठीक है, मतलब कि ईंट से ईंट बजा दूंगा वो भी कहा जाता है इसको, मतलब एकदम तुम्हारे को मजा चखा दूंगा, इस ये भी कहा जाता है ना, कि
कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब बहुत तुम जितना सोच नहीं सकते उतना तुमको तंग करूंगा, परेशान करूंगा, कुछ भी ऐसे है ना, इस काम के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, ऐसे कहते हैं। जैसे इसमें है, अपनी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उन्होंने चोरों के घर की ईंट से ईंट बजा दी। चोर सामान चुरा के लेके गया, अब उनको अपनी वो चीज़ें वापस चाहिए थी, उन्होंने चोर के घर में ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है ना, कि नहीं हमको हमारा सामान चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, तुम मैंने क्वेश्चन दिया तुमको ईंट से और तुमने आंसर दिया है पत्थर से, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, कौन बताएगा? ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब मुंह तोड़ जवाब देना है ना, मतलब कि ईंट ज्यादा स्ट्रांग होता है या पत्थर ज्यादा स्ट्रांग होता है? पत्थर। तो ईंट क्वेश्चन ईंट था है ना, लेकिन आंसर उसका अपोजिट एक्शन जो था वो ईंट था, रिएक्शन जो था वो पत्थर था, यानी रिएक्शन और ज्यादा स्ट्रांगली होना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि बहुत ही कड़ा मुकाबला। दंगल मूवी में गीता का जो फाइट होता है ना, जो लास्ट वाली थर्ड वाली रहती है उसके साथ क्या रहता है, ये ईंट और पत्थर वाली ही मुकाबला रहती है, मतलब बहुत कड़ा मुकाबला, एक ईंट है इतना स्ट्रांग है तो दूसरा पत्थर उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, उसके साथ फाइट करना। और कोई एग्जांपल बताओ ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी दो में ऐसा फाइट हुआ हो? उसमें तो बहुत सारे हैं, पता नहीं मुझे, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। अगला है, इस कान से सुनना और उस कान से निकाल देना। जैसे मैं तुम्हारे को कहूंगी कि लॉफिंग बॉय ज्यादा हंसा नहीं करते, इसने इस कान से सुना और इस कान से निकाल के हा 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 वापस, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल तुम्हारा दे रही हूँ, तो देखो, इस कान से सुनना उस कान से निकाल देना। अब मेरी बात सुनो, बच्चों को कहा जाता है कि तुम इस कान से सुनना उस कान से निकाल मत देना, तुमको बोला है ढंग से पढ़ाई करना, पढ़ेगा हाँ पढ़ूंगा, अच्छे से लिखेगा हाँ लिखूंगा, अच्छे नंबर आएंगे हाँ आएंगे, ठीक है हो गया, इस कान से सुन लिया यस, जाते ही अरे हटा चल, है ना, तो इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ठीक है। ये चीज़ ऐसा बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों की ये आदत भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा बच्चा, मतलब कि उसके अंदर ये आदत होनी चाहिए। देखो हमेशा ऐसी बात नहीं कि हमको कुछ भी बोला जाए उसको निकाल दोगे, अच्छी बातों को एडॉप्ट कर लो, लेकिन बच्चों में एक जो ये नेचर होता है ना कि उनको अभी लगाओ, उनको दो डंडे लगाओ, ठीक है, तो उसके बाद वो ऐसा नहीं होता उनका, मेरे को मार दिया है ना, ऐसा ये वाला नेचर नहीं होता उनका, नेचर क्या होता है वापस फिर वैसे का वैसे, पता ही नहीं पड़ता तुम्हारे को मारा। तुम्हारे क्लास में सबसे ज़्यादा ऐसा नेचर था उस बच्चे का, शिव को जितना डंडा मैंने लगाया है, मैंने उसको पीटा 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 है ना, उसको छः डंडे आठ डंडे लगाए, खूब डंडा मारा उसको, बैठ गया चुपचाप, बैठ गया, फिर मैं बैठने जाती हूँ चेयर नहीं है, मैं लेके आऊँ क्या, वही वो सबसे पहले वही दौड़ता। तो ये बच्चों का नेचर होता है, ठीक है, लेकिन ये इस कान से सुनना उस कान से निकाले वाला नहीं है, तो बच्चों का नेचर है, आप लोगों को सुनना चाहिए, जो भी आप पढ़ोगे जो सुनोगे वो आपके यही दिमाग में रहना चाहिए, अच्छी बातों को ले लो और खराब बातों को निकाल दो, ठीक है। तो इस कान से सुनना उस कान से निकालना, मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाओ, बना बनाओ, क्या हो गया तुम लोग को, इतने खामोश नहीं आ रहा है, वो लास्ट में कौन है, रोहन खड़ा हो जा, बताओ, उधर नहीं इधर बताओ, इस कान से सुनना उस कान से निकालना, मेक सेंटेंस, हाँ तुम्हारे ऊपर इसने बता दिया कि जो भी मैम आपने समझाया उसको रोहन ने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, बैठ जाइए। लास्ट दो और है, ईद का चांद होना, मतलब तुम दोनों दिखाई नहीं दे रही थी तो तुम दोनों क्या हो गई थी, ईद का चांद, ईद का चांद मतलब बहुत देर से दिखाई देता है ना, और तो उसको कहते हैं अरे तुम ईद, जो बहुत दिनों तक दिखाई ना दे पता ही ना पड़े तो बोलते हैं कि तुम ईद का चांद हो गए थे, ठीक है, बहुत समय बाद दिखाई देना, ठीक है, ईद का चांद। उंगली पर नचाना, कोई उंगली पर किसी को नचा सकता है क्या, लेकिन अगर मेरे मतलब जो मैं कहूँ वही हो, जो मैं कहूँ वही हो, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं कि इसकी उंगली पर वो नाच रहा है, मतलब इसके कहे अनुसार ही वो चल रहा है, चल रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उंगली पर नचाना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके ऊपर डांस करें, तुम लोगों ने वैसे एक बार डांस किया था पेपर डांस, पता नहीं किसने पार्टिसिपेट किया था, वो उंगली
वो उंगली पे डांस ही था, इतने छोटे से पेपर पर और दो दो लोगों का डांस करना, उंगली पे डांस करना बराबर था। हाँ तो मेक सेंटेंस बताओ। यस कौन नचाता है पुनीत को? कोई नहीं। हाँ कोई नहीं नचा सकता। तुम मेरे को कोई नॉन एग्जांपल दो। यस कौन? अच्छा तुम करती हो, तुम उसको अपनी उंगली पे नचाती हो ब्लैकमेल करके। ठीक है समझ आ गया सबको? बच्चों मुहावरे आपके यहाँ तक हो गए, आगे का मुहावरे अब हम लोग कल करेंगे। अब आप लोग रिटेन काम करेंगे।